हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाने को एक साथ स्टार्ट कैसे करते हैं, यानी कि सभी गाने को कॉपी करके प्ले कैसे करते हैं। आज मैं आपको वही बताऊंगा। सबसे हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जाना है, और हम जब अपने कंप्यूटर में आ जाएंगे पूरी तरह से, तो हमारा सॉन्ग जैसे कि जी में है, तो मैं यहाँ पे कोई भी सॉन्ग खोल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यह सॉन्ग खोल लिया, और जब मैं किसी एक गाने को बजाता हूँ, अब जैसे कि मेरा एक गाना बज रहा है, आप सुन सकते हैं कि मेरा एक गाना बज रहा है, पूरी तरह से आप सुन सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जब क्लिक मारते हैं तो हमारा अगला गाना चेंज नहीं होता है, सेम वही गाना बजता रहता है, चेंज नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चेंज कैसे होता है। तो असेंबली में कुछ करना नहीं है, फिर से हमारे कंप्यूटर में जाना है, आपका जहाँ पे सॉन्ग है उस ऐप को खोलना है, और अपने ऐप को खोल कर या तो नीचे या तो ऊपर से ही हम नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इस तीर को देख सकते हैं, एरो को, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। हमारा ये रहा माउस, और हम इस राइट क्लिक करते हैं, इसे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे। लिख लीजिए, देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कॉपी कर रहा हूँ। जब ये मेरा कॉपी हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसे लेफ़्ट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा प्ले का ऑप्शन आ जाता है। देख सकते हैं आप, मेरा प्ले का ऑप्शन आ गया है, और मैं इस प्ले पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा गाना फिर से बजने लगा है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ सॉन्ग को, हमारा चेंज होता जाएगा गाना। तो कैसा लगा मेरा आपका मेरा वीडियो, आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके पास तुरंत जल्दी पहुँच जाए, आप बहुत कुछ सीखें। थैंक यू।